हेलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हमारे पास रोजाना बहुत से मैसेज आते हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि हमें प्रोटीन डाइट के लिए कुछ बताइए। तो दोस्तों आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल 100% नेचुरल देसी प्रोटीन यानी कि शुद्ध शाकाहारी प्रोटीन का तरीका जो आप घर पर ही इस पाउडर को बना सकते हैं और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोटीन का काम करता है और आपके जो मसल्स होते हैं बॉडी को उनको एनर्जी देता है बढ़ने के लिए। दोस्तों ये बिल्कुल देसी है, ये कोई वे प्रोटीन नहीं है बाजार का, जो कोई डब्बा नहीं है, ये जो एकदम देसी जड़ी बूटी होती है उन्हीं का पाउडर है ये। दोस्तों ये बहुत देसी चीज है और इसका इस्तेमाल मैंने भी किया है और बहुत से लोगों ने किया है और जिसने भी किया है दोस्तों उसका फायदा बहुत ज्यादा हुआ है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं पहली बार तो प्लीज नीचे जाके लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में घंटी का आइकन जरूर दबाएं। और हाँ दोस्तों इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक करें ताकि दोस्तों हमें इसके पैसे बिल्कुल नहीं मिलते हैं, बस आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों हमें इसके लिए ये चार सामग्री चाहिए। इसमें सबसे पहले चीज हमें चाहिए के लिए सबसे पहले हमें चाहिए अश्वगंधा चूर्ण, उसके बाद छतावर चूर्ण, फिर सफेद मूसली और आखिर में कोंच के बीज का चूर्ण। दोस्तों ये चारों चूर्ण आपको पतंजलि के स्टोर पर मिल जाएगा और सबकी कीमत दोस्तों बहुत सस्ती है, कोई महंगी नहीं, करीब कुल 550 रुपए के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। ये चारों चीज आपको पंसारी की दुकान पर भी मिल सकती है। दोस्तों मैंने यहाँ पतंजलि ब्रांड की ये चीजें ली हैं क्योंकि मैंने यही यूज किया है। दोस्तों अगर आप चाहें तो किसी और ब्रांड का भी यूज कर सकते हैं या फिर अगर आप खुद बनाना चाहें तो खुद भी बना सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। बस आप ये देखें कि इसकी शुद्धता पूरी हो और कौन सी चीज आपको सूट करती है। बस तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि करना क्या है। सबसे पहले ये चारों डब्बे आपको खोलने हैं। तो पहले आप अश्वगंधा चूर्ण को थाली में डाल लीजिए, खोलते हैं पहले। उसके बाद आप शतावर चूर्ण को खोल लीजिए, उसके बाद आप श्वेत मूसली के चूर्ण को खोलें और आखिर में कोंच के बीज। जी हाँ, इन चारों डब्बों को दोस्तों आप खोल कर एक थाली में अच्छे से डाल दीजिए और इसमें मिक्स कर लीजिए। इसके अंदर जो मौजूद सामग्री है जी, जैसे कि कोंच का पाउडर, दोस्तों कोंच का पाउडर आपके वीर वृद्धि बहुत अच्छी करता है और जो अश्वगंधा है दोस्तों ये आपके मसल्स को पावर देता है, एनर्जी देता है, ताकत देता है। आपके चाहे शरीर में कैसा भी दर्द हो, मसल्स की अगर आपको खिंच गई है, हड्डियों में अगर आपको दर्द है, तो अश्वगंधा उसमें बहुत जबरदस्त काम करती है। हाँ, सिर्फ 2-2 चम्मच सुबह शाम ले लीजिए अश्वगंधा चूर्ण, आपके मसल्स की चाहे कैसी भी समस्या हो, आपके मांसपेशियों में चाहे कैसा भी दर्द हो, बिल्कुल दूर हो जाता है और ताकत अलग से मिलती है। दोस्तों ये सब देसी चीजें बहुत जबरदस्त चीज है लेकिन जनता को पता होता नहीं, बेचारे वो सब के सब डॉक्टरों के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो उनको पता नहीं कैसे कैसे तरह तरह की एलोपैथी दवाई खिलाते हैं लेकिन दर्द तो कम कर देते हैं। लेकिन एलोपैथी दवा का नुकसान ये होता है कि जिस बीमारी के साथ दवा खाओगे वो अल्टीमेटली ठीक तो हो जाएगी लेकिन उस दवा के चक्कर में 2 बीमारी और हो जाएंगी आपको, फिर उसके लिए दवा खाते रहो। तो बस एलोपैथी दवाइयों का यही नुकसान होता है। अगर बात की जाए मसल पेन की या फिर अपने मांसपेशियों की ताकत के लिए तो दोस्तों अश्वगंधा बेस्ट है। दोस्तों ये पूरा का पूरा सेट यानी कि इन चारों डब्बों का सेट बहुत सस्ता है। वैसे भी दोस्तों जो बाहर बाजार में प्रोटीन के डब्बे मिलते हैं वो कौन से सस्ते हैं, वो इतने महंगे मिलते हैं, उसके मुकाबले तो ये बहुत सस्ता है और ये फायदेमंद है और 100% नेचुरल है, किसी कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो इन चारों को दोस्तों अच्छे से चम्मच से आप मिला लीजिए और ये हो गया करीब करीब आपका 15 दिन का राशन। जी हाँ दोस्तों 15 दिन के लिए आप सेट हो गए हैं और ये आपको हेल्प करेगा। और अब बात करते हैं दोस्तों इसे मिक्स करने के बाद करना क्या है। दोस्तों इसको बात करें सेवन की तो एकदम से नहीं करना है आपको सेवन, जैसे कि होता है मुंह में एकदम से मुंह में डाला और दूध पी गए, नहीं नहीं दोस्तों ऐसा करेंगे तो आपके गले में धसकी आएगी, आपको खांसी आएगी और दोस्तों बहुत बारीक पाउडर होता है, आपको सटकने में बहुत दिक्कत होगी, ऐसा ना करें। इसको करने का सही तरीका ये होता है कि एक गिलास गरम गरम दूध ले लीजिए और उसके अंदर 1-2 चम्मच उस दूध के अंदर मिला लीजिए, ठीक है। मिलाने के बाद उसे 10 मिनट के लिए दूध को ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसके बाद 10 मिनट छोड़ने के बाद आपको उस दूध को पी लेना है। दोस्तों ऐसा करने से जो भी पाउडर है वो अच्छे से दूध में मिक्स हो जाएगा, आपके गले में ज्यादा चुभेगा नहीं और पाउडर दोस्तों अच्छे से आप पी पाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप बिना ऐसे पियेंगे तो दोस्तों चूर्ण जो होता है वो आपके गले में चिपक जाता है और आपका पेट भी ढंग से साफ नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप दूध में अच्छे से मिलाकर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं तो आपके गले में चिपकेगा नहीं और आपका पेट भी एकदम मक्खन की तरह साफ होगा। तो दोस्तों ये जो हमारा मिश्रण है बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब बात करें इसको प्रॉपर लेने का तरीका, जैसे मैंने आपको बताया वो तो है ही, लेकिन कुछ बातें जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि जो लोग एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते यानी व्यायाम करते नहीं है
और वो चाहते हैं वेट लूज करना। तो दोस्तों मैं पहले तो बोलना यही चाहूंगा कि देखो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप कुछ भी खाते पीते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर के अंग अंग में वो लगे तो उसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि दोस्तों अक्सर होता यह है कि लोग आप चाहे कितनी भी अच्छी चीज खा लो वो आप खा तो लोगे लेकिन फिर नीचे से निकल जाएगा, मतलब वो आपके शरीर में लगेगा नहीं। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करोगे खाने के साथ साथ तो वो जो भी आप खाएंगे चाहे आप भले ही आप सूखी रोटी खाओगे लेकिन आपके शरीर में लगेगी, वो आपके अंग अंग में उसकी ताकत दिखेगी। दोस्तों अगर आप मसल्स को डेवलप करना चाहते हैं यानी कि अपनी मांसपेशी अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत ही सही लेकिन एक्सरसाइज जरूर करें। और हाँ मैं जानता हूँ कुछ लोग बहुत बिजी हैं ऑफिस के लिए कॉलेज के चक्कर में, दोस्तों वो लोग नहीं कर पाते हैं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी जितना भी वक्त मिले आपको 10-15 मिनट 20 मिनट कैसे भी एक्सरसाइज हो करें डेली, थोड़ा सा पसीना बहाइए, इसके जरिए अगर आप करते हैं और उसके बाद ये डाइट खाते हैं तो ओहो फायदे बहुत जबरदस्त होंगे। वैसे भी आप तो एक बात जानते हैं इंसान जो होता है बीमार पड़ने के बाद भी तो खाली बैठता है, दोस्तों वो नौबत आने ही क्यों देनी, उससे पहले ही अपने आप को एक्सरसाइज करके फिट रखिए। और जी हाँ अपने लिए करीब करीब आधा घंटा तो डेली सबको निकालना चाहिए और इसको सेवन करें। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों फिटनेस आज के टाइम में बहुत जरूरी है, जिसके पास अच्छी सेहत है ना उसके पास दुनिया की सारी दौलत है, और जिसके पास सेहत खो गई है जिसके पास सेहत चली गई है जिसके पास उसके लिए चाहे दुनिया की सारी दौलत दे दो उसके पास वो बेचारी व्यर्थ है उसके लिए। अब जो हमने मिक्स किया है मिश्रण इन सबको दोस्तों आप इस डब्बे में भर के रख लीजिए। चलिए डब्बे में मिला लेते हैं, चलिए डब्बे में सबका सब मिश्रण डाल लेते हैं। अब बात करें कितनी मात्रा में लेना है, तो दोस्तों अगर आप एक्सरसाइज डेली कर रहे हैं तो ऐसे केस में आप डेली करीब इतनी मात्रा में जी हाँ करीब 2 चम्मच से करीब आप दूध में मिलाकर ले लीजिए। जी हाँ इसे सेवन करें दूध में मिलाकर 2 चम्मच तो ये करीब करीब 15 दिन के लिए चल जाता है और आपको आराम से 15 दिन में सिर्फ 15 दिन के इस्तेमाल से ही आपको जबरदस्त पावर महसूस होगी अपने अंदर। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं और मुश्किल से 10-15 मिनट एक्सरसाइज कर पा रहे हैं डेली के, तो दोस्तों उनके लिए मैं कहूँगा कि आप 1 चम्मच लीजिए। जी हाँ 1 चम्मच इस पाउडर के ले लीजिए। और जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप 2 चम्मच ना लें, आप 1 चम्मच लीजिए और दिन में 1 बार लीजिए किसी भी टाइम सुबह हो या शाम हो ठीक है, लेकिन आप 1 टाइम लीजिए। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा आप सेवन करेंगे तो एक्सरसाइज आप कर नहीं रहे तो ये आपके बॉडी में फैट बढ़ाएगा, आपको वजन ही बढ़ेगा, आपका फायदा है नहीं। तो दोस्तों ये था हमारा, दोस्तों ये है हमारा बिल्कुल देसी पाउडर जो किसी भी वे प्रोटीन से लाख गुना बेहतर है। कई लोग वे प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं और मैं उनको मना नहीं करता, जैसा आपको सूट करता है कर लीजिए, लेकिन बात ऐसी है वो सिंथेटिक बना हुआ है और उसका कोई ना कोई नुकसान होता है आपके शरीर पर। क्योंकि दोस्तों आप खुद सोचिए जो चीज आपको एकदम से खा गए एकदम से तुरंत फुला देती है एकदम से बहुत तगड़ा बना देती है तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होगा ना। लेकिन जो ये है यानी कि बिल्कुल देसी जड़ी बूटियों का बना हुआ पाउडर, दोस्तों ये बहुत ही अच्छा विकल्प है वे प्रोटीन का और ये बिल्कुल नेचुरल तौर पर आपके मसल्स को बनाता है, आपकी बॉडी की जो मसल्स है उसको डेवलप करता है, आपके मांसपेशियों को डेवलप करता है और आपको बहुत ही अंदरूनी तौर से ताकतवर बनाता है और आपकी जबरदस्त बॉडी बनाता है नेचुरली। तो दोस्तों ये आपके शरीर में वे प्रोटीन जैसी हवा तो नहीं भरेगा क्योंकि दोस्तों जितनी तेजी से हवा भरती है ना उतनी तेजी से निकल भी जाती है, लेकिन जो देसी पाउडर से जो बॉडी बनाता है वो हमेशा बनी रहती है और सालों साल जो इंसान बॉडी बनाता है देसी तरीके से उसकी बॉडी खत्म नहीं होती है। और जिम वाले देख लो एक बार, जरा सा 3 महीने जिम किया और 1 महीना जिम छोड़ दें वो लोग सिकुड़ जाते हैं वो लोग, क्यों? क्योंकि दोस्तों वे जो वे प्रोटीन होते हैं ये ऐसे ही होते हैं, लेकिन जो देसी तरीके होते हैं बॉडी बनाने के वो होते हैं असली बेस्ट तरीके। जो लोग वे प्रोटीन बहुत इस्तेमाल करते हैं स्टीरॉइड इस्तेमाल करते हैं दोस्तों वो अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो दोस्तों आप वे सब ना करें, आप इस नेचुरल तरीके को इस्तेमाल करके देखें एक बार और आप खुद जज करें कि कौन सा तरीका बेस्ट है कौन सा तरीका अच्छा है। तो दोस्तों हमारे देश का एक एक जवान बहुत कीमती है, एक एक पुत्र हमारे देश का बहुत कीमती है दोस्तों, सभी माँ बाप के लाडले होते हैं उनके बच्चे। तो दोस्तों जिम वालों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े क्योंकि दोस्तों जहां मैंने देखा है बहुत से लोग जिम जाते हैं और जिम वाले उनको पता नहीं क्या क्या स्टीरॉइड क्या क्या चीजें खिलवाते हैं उनके शरीर को फुला देते हैं, लेकिन उसका इतना खतरनाक प्रभाव पड़ता है उनकी किडनी के ऊपर उनके शरीर के अंगों पर कि दोस्तों वो फेल हो जाते हैं। और कई मौके पर मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को बेचारों को अपनी जान देनी पड़ती है। दोस्तों हमारे देश का हर एक युवा बहुत कीमती है, जिम वालों के चंगुल में ना फंसे और जितने भी देसी तरीके हैं दोस्तों हमारे इंडिया में सब कुछ है, बस थोड़ी जानकारी की कमी है। तो आप उस जानकारी की कमी को दूर करें और अपनी बॉडी को देसी तरीके से बनाइए। दोस्तों इसके अलावा ऐसे बहुत से कमाल के नुस्खे हैं, पावरफुल नुस्खे जो आपके बॉडी को बनाने में हेल्प करता है और ये सब नुस्खे मैं आपको दोस्तों आने वाली वीडियोज में बताता रहूंगा। और दोस्तों इस वीडियो को
आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दोस्तों सबको ये पहुंचे और सबको लाभ मिल सके इसका, ताकि अधिक से अधिक भाइयों के पास ये वीडियो पहुंचे और ये सभी थायराइड और वे प्रोटीन के चंगों से निकलकर देसी तरीके से अपनी बॉडी बना सके। इसके साथ साथ एक टिप मैं देना चाहूंगा दोस्तों, दूध और घी दबा के इस्तेमाल करें, क्योंकि दोस्तों दूध घी हमारे शरीर को बनाता है। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करें, अच्छे विचार अपने दिमाग में रखें और अच्छे काम करें दोस्तों, यही है सफल जीवन की कुंजी। साथ ही दोस्तों आज के जो लकी हमारे व्यूअर्स हैं, जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था, तो वो स्क्रीन पर ये हैं। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं हमारे चैनल पर आना, तो दोस्तों नीचे जाके कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें #वैद्यकुमार के नाम से। जी हाँ, और दोस्तों कमेंट करें #वैद्यकुमार के नाम से। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में उन दो लकी व्यूअर्स को हम अपने चैनल पर लेके आएंगे। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों आप सभी ने मुझे अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द मिलते हैं अपना नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू दोस्तों।